आइए मेहुल कोठारी साहब से भी लेते हैं उनकी लॉन्ग टॉपिक। बताए मेहुल जी। गुड मॉर्निंग अनिल जी। देखिए आज की जो लॉन्ग टर्म पिक है दैट इज जियो फाइनेंस 346-347 के आसपास चल रहा है। इसको धीरे धीरे एक्यूमुलेट करना है, 340 तक 335 तक भी आप कर सकते हैं एक्यूमुलेट जब भी डिप आता है। यहाँ पर अपसाइड टारगेट जो रहेगा जियो फाइनेंस का वो है 425 का। पिछले एक दो महीने में हमने देखा कि कंसोलिडेट कर रहा था अबव इट्स मीडियम टर्म मूविंग एवरेज। कल के सेशन में फाइनली एक रेंज ब्रेकआउट आया इस काउंटर में। न्यूज ये थी शायद कि आने वाले साल में ये निफ्टी में भी शामिल हो सकता है काउंटर। फिलहाल टेक्निकली बात करें तो डबल बॉटम फॉर्मेशन का कंफर्मेशन आ गया है। आरएसआई ऑसिलेटर की बात करें तो एक रेंज शिफ्ट देखने मिला है, तो ये बताता है कि यहाँ से अभी नई रेंज शुरुआत होगी इस काउंटर की। सो एक्युमुलेट कीजिए ऑन डिप्स जियो फाइनेंस, टारगेट रहेगा ऑन द अपसाइड 425। आइए जानते हैं उनकी पोजिशनल पिक। बताए मेहुल जी। अनिल जी पोजिशनल पिक जो है मेरी वो कोचिन शिपयार्ड है। शिपिंग स्टॉक्स में से ही एक काउंटर है। कल देखिए अगर आपको याद रहेगा कल मैंने जीआरएससी भी कवर किया था, तो आज कोचिन शिपयार्ड में बाइंग की सलाह रहेगी। अपसाइड टारगेट जो है 2050 का रहेगा। तकरीबन 3000 के लेवल से स्टॉक्स में करेक्शन शुरू हुआ था इस काउंटर में। पिछले वीक अगर हम देखें तो पिछले वीक तक तकरीबन टोटल 8 वीक का करेक्शन कंसेक्यूटिव करेक्शन आया है इस काउंटर में। प्रॉफिट बुकिंग हमें देखने को मिली। अब शॉर्ट टर्म चार्ट्स पर काफी ज्यादा ओवरसोल्ड हो चुका है। रिवर्सल कैंडलशिप पैटर्न भी कंफर्म कर लिया 1900 के ऊपर कोचिन शिपयार्ड ने। सो एक स्ट्रॉन्ग बाउंस का कैंडिडेट है कोचिन शिपयार्ड। अपसाइड टारगेट 2050, पोजिशनल तौर पर खरीदारी की सलाह। शॉर्ट टर्म पिक मेहुल कोठारी साहब बताएं। सर जी आज की जो शॉर्ट टर्म पिक है वो है ग्लैंड फार्मा। 1880 के आसपास ये चल रहा है। टारगेट ऑन द अपसाइड इज 2000। शॉर्ट टर्म चार्ट्स पर ऑलरेडी ओवरसोल्ड जोन में आ चुका है काउंटर। 200 डेमा को रीटेस्ट किया है स्टॉक ने। डेली आरएसआई में एक पॉजिटिव क्रॉसओवर देखने मिला है। डेली एडीएक्स की बात करें तो एक पॉजिटिव कट आने को ये अगर होता है तो एक अच्छा मूवमेंट ऑन द अपसाइड हमें देखने को मिल सकता है। सो शॉर्ट टर्म टारगेट ग्लैंड फार्मा में 2000 का है, खरीदारी कीजिए ग्लैंड फार्मा। इन्वेस्टमेंट इन सिक्योरिटी मार्केट्स आर सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क। रीड ऑल द रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स केयरफुली बिफोर इन्वेस्टिंग। दिस डेटा इज फ्रॉम आवर रिसर्च रिपोर्ट कवरेज। Investment in securities market are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing.